रिलेटेड। देखो बोला, हम आपको पढ़ा कह रहे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे वो अस्मायरा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ा है, मैटर क्या होता है, मैटर का क्या किया क्लासिफिकेशन किया है ना, फिजिकल केमिकल के आधार पे। तो अभी हम लोग केमिकल में चले बाबू है पहले ना, देख तो चुका हूं सबसे ना, हाँ केमिकल में वो हम लोग कहाँ चल चुके हैं बोला है ना, केमिकल में बाबू आपको हम लोग क्या बाबू है ना, एक साइड में मैटर में बाबू था ना जी, एक साइड में बाबू आपका मैटर में क्या था, एलिमेंट था जिसमें आपका मेटल था, नॉन मेटल था, और आपका क्या था बाबू, मेटोलाइड था और आप नोबल गैस था। दूसरे साइड में बाबू मिक्सचर है, दूसरे साइड में क्या है मिक्सचर है। तो मिक्सचर का दो गो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में बाबू, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं ना, सोल्यूशन कहते हैं। तो कल आपको बताए थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड किसको कहते हैं, सारा चीज कल आपको समझा दिया था अच्छे से, पूरा एक क्लास में खाली तीन हुआ था। तब इसको हम नहीं बताने जा रहे ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहोगे है ना, कोई एक गिलास पानी ले लो भला, उसमें नमक डालो और नमक की मात्रा डालते जाओ डालते जाओ है ना, जब नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद भी अगर उसको बाबू आप चाहते हो कि नमक उसमें घुल जाए, तो उसको फर्दर क्या करो, हीट कर दो है ना, हीट कर दो, फर्दर हीट करो तो उसमें और ज्यादा नमक क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। तो ना है ना बाबू, मतलब हीट करने के बाद बाबू नमक और ज्यादा डालोगे ना तो भी मेरा एक सोल्यूशन बनेगा। तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कह देंगे, क्या कह देंगे, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है ना। तो वही सब लिखा हुआ है ना, ये सोल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट है ना बाबू देन द सेचुरेटेड लेवल है ना, जो सेचुरेटेड सोल्यूशन है उससे ज्यादा अगर बाबू सॉल्यूट की मात्रा डिजोल्व किया हुआ है तो वो जो आपको सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा है ना। ठीक सर, ये इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू यार से तो ऑन करिए, रोशनी रोशन करो जी, टैगोर अब से तो ऑन करो। आगे बाबू आपको तीन को समझना है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडर है ना। तो ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है चलेगा सर है ना, आपका बाबू ये ट्रू सॉल्यूशन मेरा होमोजेनियस मिक्सचर का है, सस्पेंशन और कोलाइड्स बाबू आपका किसका बाबू, हेट्रोजीनियस का है ना बोला। अरे बाबू आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किए थे ना जी, होमोजीनियस में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड है ना बोला, ट्रू सोल्यूशन वगैरह, और हेट्रोजीनियस में क्या था, कोलाइड था, सस्पेंशन था, ये क्या होता है सर है ना। तो हमारे पास तीन है बाबू, तीनों को कंपेरिजन करके हम लोग स्टडी करेंगे, क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है सर, सस्पेंशन क्या होता है सर, कोलाइड्स क्या होता है, इसको समझना है ना, किसको ट्रू सोल्यूशन कहोगे, किसको सस्पेंशन कहोगे, किसको कोलाइड्स कहोगे है ना, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो है ना। मेरे पास बाबू पेपर था जी, मिल नहीं रहा, फिल्टर पेपर लाए थे भोला पटना से खरीद के है ना। ठीक हाँ सर, समझना है किसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, किसको बोला हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे, किसको सस्पेंशन कहेंगे, इसको समझो। पहले ऐसे समझा देते भोला है ना। ठीक सर, देखो भोला क्या ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भोला है ना, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बाबू, जैसे बाबू है ना वही बाबू ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, वैसा सोल्यूशन बाबू जिसमें बाबू जो पार्टिकल आप सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हो है ना वो विजिबल नहीं होगा, उसको माइक्रोस्कोप से बाबू नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखोगे फिर भी उसके पार्टिकल आपको विजिबल दिखाई नहीं देंगे है ना, सोल्यूट का पार्टिकल विजिबल नहीं होगा। तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन, क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन, सोल्यूट का पार्टिकल विजिबल वगैरह नहीं होगा, वैसे सोल्यूशन को क्या कहोगे, ट्रू सोल्यूशन कहोगे। जैसे पानी में नमक घोल दो तो सोल्यूशन बनेगा, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, ट्रू सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, ट्रू सोल्यूशन बनेगा। शांति से समझते चलना है ना, लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो बाद में लिखना है। रोशनी एक कृतिका ऑन करो जी, ठीक, जिसमें बहु पार्टिकल का भोला जो सॉलिड डिजोल्व कर रहा है अगर वो विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे रहा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, तो वैसे सोल्यूशन को क्या कहोगे, ट्रू सोल्यूशन कहोगे। ठीक, जिसमें बहु सस्पेंशन किसको कहोगे, जिसमें कोई सॉलिड वगैरह डाल रहे हो तो पार्टिकल क्या हो, विजुअल हो, पार्टिकल नीचे क्या हो, सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड मतलब नीचे क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो वैसे सोल्यूशन को क्या कहोगे, सस्पेंशन, वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। इस सस्पेंशन कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन कोलाइड्स कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है ना। ठीक सर, ठीक है ना, आगे बता रहे, जैसे मडी वाटर हो गया बाबू, सैंड वाटर मिक्सचर हो गया है ना बोला, आपका बाबू चौक ले लो, चौक को पीसो बोला, पानी में डिजोल्व कर दो, तो ये सब जो मिक्सचर आपका बनेगा इसको हम लोग क्या कहोगे, सस्पेंशन कहोगे। कोलाइड्स वगैरह क्या होता है बाबू, जिसमें बाबू सॉल्यूट का पार्टिकल भोला है ना ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा है ना और सस्पेंशन के पार्टिकल से कम रहेगा, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे बोला है ना, कोलाइड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू है ना, आपका जैसे क्या हो गया, मिल्क हो गया है ना भोला, आपका मिल्क हो गया, इंक हो गया, इंक जो हम लोग यूज करते हैं पेन वगैरह में है ना, आपका वो ब्लड वगैरह हो गया, हवा हो गया, ये सब के सारे के सारे क्या है, कोलाइड्स है, सारे के सारे क्या है, कोलाइड्स है। कुछ होना समझ में है ना, देखो क्या होता है, शांति से समझो है ना भोला है ना। ठीक सर, जैसे मानो बाबू यहाँ पे रखते हैं,
है ना, कल हम लोग बाबू वही एक्सपेरिमेंट किया, ये सैंड है, ये क्या बोला, सैंड है, बारिश लगता हुआ बाबू तो बालू भींग गया कि नहीं, है ना, देख रहा है जी, ये आपका नमक हो, सैंड अभी कुछ और है सर। सैंड है, सैंड है, गीला हुआ सैंड है बोला, है ना, और कुछ नहीं, है ना, ठीक ठीक सर, है ना बोला। अब आपको क्या समझना बाबू, ट्रू सॉल्यूशन किसको कहोगे, सस्पेंशन किसको कहोगे, कोलाइड्स किसको कहोगे, तीन मिक है ना, तीन टाइप है बाबू, तीन को आपको हमको बर्तन लाना पड़ेगा, तीन को बाबू ये ग्लास वगैरह ला, तीन है ना जी, तो तीन के लिए तीन ला, ठीक सर, एक हो गया, दो हो गया, एगो तीन हो गया, एक हो गया बोला, दो हो गया, है ना, तीनों हम लोग तैयार करेंगे, एक और लेते बाबू, दिख रहा है ना क्लियर जी, हाँ सर क्लियर तो दिख रहा, थोड़ा उधर कर देते हैं आप लोग के लिए बोला, जल्दी जल्दी आप लोग बाबू सेंचुरी पूरा ना, पूरा सिस्टम है चेंज कर देंगे, ठीक ठीक सर, एक और चाहिए भोला, एक और ले लेते बाबू, तो हम लोग इसमें बाबू मिक्सचर बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, तो पानी तो डालना पड़ेगा, पानी डालो भोला, क्या डालो, पानी डालो, ठीक है ना, हाँ सर ये डालें, एक तो घट गया जी, और लाना पड़ेगा बोलो, है ना, एक तो घट गया, और लाते बाबू कि नहीं, है ना, शांति से समझना, अरे ठीक, एक और लाया बोला, ठीक सर, ये तीनों हो गया बाबू, गिरना नहीं जी, नहीं तो बाबू चुनना लग जाएगा, है ना, ठीक सर, तीनों दिख रहा है, उधर हो जी, लाना ही पड़ेगा ट्राईपोड वगैरह, एक और ट्राईपोड लाना पड़ेगा, ठीक ठीक सर, तीनों दिख रहा क्लियर है ना बोला, तो हमारे पास क्या बाबू, आपके पास, हम लोग के पास क्या बोला, हम लोग के पास सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, और क्या है बाबू, कोलाइड्स है, ठीक ठीक बोला, अब हम लोग क्या कर डालो, एक में नमक डालो, है ना, एक में नमक डालेंगे, ठीक सर, और उसको स्टार करेंगे, नमक डाला, स्टार किया, ठीक, तो ये जो नमक डाले बाबू, ये साल्ट का पार्ट, ये सॉल्यूट हो गया, थोड़ा सा नमक डाले तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो ये नमक का जो पार्टिकल होगा भोला, उसका साइज एक्सट्रीमली क्या है, स्मॉल है, एक्सट्रीमली क्या, स्मॉल है, ठीक, अब इसको स्टर करो, इसको क्या करो बाबू, स्टर करो, क्या करो, स्टर करो, है ना, थोड़ा सा स्टर इसको करते हैं कि नहीं, ठीक सर, स्टर कीजिए, शांति से समझना, है ना, इसको स्टर करो, तो ये भी मेरा क्या हो गया सर, एक सोल्यूशन बना, स्टर करे बाबू, ये क्या हो गया, एक सोल्यूशन बना, क्या बना बाबू, सोल्यूशन बना, है ना, सोल्यूशन, नमक अब क्या हो गया, पूरे का पूरा नमक क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, पूरा का पूरा साल्ट क्या हो गया, कृतिका डिजोल्व हो गया बोला, है ना, कि नहीं बोले, हाँ सर डिजोल्व हो गया, ठीक, तो इसमें जो नमक डाला बोल बोला, उसका पार्टिकल आपको विजुअल नहीं होगा, इसमें जो नमक डाले बाबू, उसका पार्टिकल आपको बाबू अंडर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना बाबू, नो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, फिर भी आपको नहीं दिखाई देगा, तो ये जो बना, इसको हम लोग क्या कहोगे, सोल्यूशन कहोगे, इसको क्या कहोगे, सोल्यूशन कहोगे, तो इसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता भोला, वो नेक डे क्या माइक्रोस्कोप से भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये रोशनी तो वीडियो वीडियो, ठीक, तो कंपाउंड इस माइक्रो और बाबू बहुत सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, पावरफुल वाला से देखोगे तो दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे भोला आपका, इसको हम लोग कहेंगे सोल्यूशन कहेंगे, ठीक मेरे सर, को तो दिख रहा है सर एक पार्टिकल। अरे वो बाबू दूसरा चीज है, इस चम्मच से बाबू डस्ट है ये वो, और आलतू फालतू नहीं हो जाता डस्ट पार्टिकल वगैरह, ये बाबू ये बालू इससे टच किया ना जी, तो वही होगा नेक्स्ट भोला, अब इसमें क्या हम लोग एक में डालते बालू, भोला बालू डाल देते, एक में क्या डाल देते, बालू डाल देते, है ना, ठीक जी, है ना, ठीक सर, तो यहाँ पे जो बालू डाल रहे बाबू, इसको सॉल्यूट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कृतिका सॉल्यूट कहेंगे, तो इसका पार्टिकल हो गया, ये सॉल्यूट का पार्टिकल हुआ ना जी, अब इसको क्या करो, अस्टर करो, इसको क्या करो, अस्टर करो, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बाबू आपका एक मिक्सचर हो गया, क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना, तो हेटरोजीनियस है ना, ठीक भोला, दिखाई दिया, अब एक में हम लोग क्या डाल देते, ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भोला, इसको हम लोग सस्पेंशन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे, सस्पेंशन में वो जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है,
वो बाबू इसके पार्टिकल से है ना, बोला आपका जो बाबू ये बोला ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल से है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट के जो पार्टिकल का साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ठीक, एक और बचा बोला, एक और बचा। अब इसमें हम लोग क्या डालते बोला, इसमें हम लोग मिल्क डालते हैं। क्या डालते हैं, मिल्क डालो चाहे इंक डालो है ना, तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं बाबू, मिल्क डालते हैं ना, ये आपका मिल्क है। ठीक, शांति से समझना, ये आपका मिल्क हो गया और है ना, सर ज्यादा नहीं ना डालना है जी, बचाना नहीं है, आपको समझाना है ना भोला, ज्यादा डालेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगी, ये भी ज्यादा ही हो गया। ठीक ठीक सर, तो ये जो आपको तीसरा बना भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। ये तीसरा जो बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे है ना। ठीक सर, समझ में आ गया। तो देखो अंतर क्या होता है सर इसमें बाबू जी, इस ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स में सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं है ना। तो इसमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है बाबू एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, सॉल्यूट मतलब जो आप इसमें डिजोल्व कर, इसको ओपन आई क्या माइक्रोस्कोप से भी देखोगे भोला तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये देखो एकदम क्लियर है क्या बाबू, एकदम क्लियर है, देखो एकदम क्लियर है ना जी, एकदम प्योर का प्योर क्लियर है, कोई धोखाधड़ी नहीं है कि नहीं देखो है ना। तो ये क्या सर, ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक ठीक बोला, ये मिल्क डाले हैं, तो मिल्क जो डाले हैं बाबू, मिल्क जो डाले हैं भोला है ना बाबू, इसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल हुआ, मिल्क मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो उसके जो पार्टिकल का साइज है बाबू क्या है, ट्रू सॉल्यूशन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, और ये जो डस्ट वाला है बाबू, जो सैंड है, उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। या सुतोष वीडियो ऑन करो बेटो, से कान ऑन कर वीडियो जी, रोशनी रोशन कर बोले, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे। ठीक सर, नेक्स्ट बोला आपका हो गया सस्पेंशन, माने सस्पेंड मतलब भी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाना, नीचे जाके क्या, सेटल डाउन हो जाना। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बाबू, नीचे आपको बाबू ये है ना, ये जो सैंड पार्टिकल वगैरह क्या है ना दिखाई दे रहा, तो इसका जो साइज का पार्टिकल होता है भोला आपका क्या होता है, साइज का पार्टिकल भोला, इसमें साइज का पार्टिकल सबसे बड़ा बड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। तो ये सस्पेंशन है, ये आपका कोलाइड्स है मिल्क वाला, और ये वाला आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये तीनों समझ में आ गया सारे बच्चे को है ना भोला। तो ट्रू सॉल्यूशन वही आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ। अब ये ट्रू सॉल्यूशन हर्षित शैतान आकृतिका बोली, और सस्पेंशन का क्या करना है, कंप्रीजन स्टडी करना है ना, मतलब क्या बाबू है ना, मतलब क्या भोला, इसका हम लोग कंपेरिजन स्टडी करेंगे, मतलब इसमें बहुत साइज का पार्टिकल कितना छोटा रहेगा तो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहो, साइज का पार्टिकल कुछ होगा ना जी, तो कितना इसका रेंज होगा साइज के पार्टिकल को उसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, कितना उसका रेंज होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन है। इसके बाबू कोलाइड्स के साइज का पार्टिकल कितना होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला इसको फिल्टर पेपर से तीनों को बारी बारी से पास करो, तो फिल्टर पेपर से पास करोगे बोला, शांति से समझना है, तो इसका बाबू इसमें कोई फिल्टर पेपर हुए कुछ कलेक्ट नहीं होगा, ऐसा फिल्टर पेपर होता है ना भोला, ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर है, अभी तो बाबू है नहीं इसको, ये फिल्टर पेपर है, अभी इसको काट के बनाना पड़ता है, ये जो है भोला आपका फिल्टर पेपर है, ऐसे करके है ना, सादा पेजर नहीं है, फिल्टर पेपर है। ठीक, तो इसको कोन काट के बनाओ, उसके बाद इससे पास करवाओ, तो करवाएंगे कखनी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिल्टर पेपर से पास करोगे ना भोला, छन्ना पत्र से, तो ट्रू सॉल्यूशन को पास करोगे तो फिल्टर पेपर पे कुछ जमा नहीं होगा, कोलाइड्स को बाबू ये सस्पेंशन को पास करोगे तो फिल्टर पेपर पे बालू का सैंड वगैरह क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, और इसमें भी बाबू कुछ जमा नहीं होगा। ठीक ठीक सर, तो ये आपका कैसा मिक्सचर है, ये आपका होमोजीनियस वाला है, और ये दोनों आपका कौन है, ये दोनों आपका हेट्रोजीनियस है। क्या है, हेट्रोजीनियस है ना, मन में ख्याल आ रहा होगा तो ये भी होमोजीनियस नहीं, लेकिन ये भी क्या है, इसको बाबू जब बाबू माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल का बाबू डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनफॉर्मली नहीं होता, नॉर्मल तो आप लोग देखोगे तो इनफॉर्मली रहेगा, लेकिन बाबू पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इनफॉर्म नहीं रहता है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, जो ये बाबू सस्पे ये आपका कोलाइड्स है, ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ये भी आपका हेट्रोजीनियस हो गया, ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोला
जो बाबू आपका ये दोनों जो मिक्सचर है भोला, ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। टिंडल इफेक्ट को शो करने का मतलब क्या होता है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये तीनों से रे ऑफ लाइट पास कराओ, तो जब रे ऑफ लाइट पास करवाओगे भोला, है ना, तो लाइट का रात पाथ क्या होगा, विजुअल होगा। पाथ क्या होगा, विजुअल होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जैसे बाबू आप लोग घर वगैरह में देखोगे, शांति से समझो, टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है। घर वगैरह में देखोगे भोला, जिसका झोपड़ी का घर होता है ना, तो ऊपर देखना बाबू, झोपड़ी में एक आगो बीच में होल वगैरह आएगा, तो उससे रे ऑफ लाइट आता, तो रे ऑफ लाइट आता तो वो पाथ क्या होता है, विजुअल हो जाता, रास्ता विजुअल हो जाता। तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। या बाबू देखना, अथी ठंड के मौसम में कुहासा रहेगा और टॉर्च जलाओ, तो टॉर्च जलाओगे तो लाइट एकदम कैसे आपको दिखाई देगा कि इस तरह से लाइट आगे जा रहा, तो उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया, देखो भोला, नहीं किसे बच्चा समझेगा बाबू, मेरे यहाँ नहीं समझेगा, कहीं नहीं समझेगा। TYNDAL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल बाबू साइंटिस्ट का नाम था, टिंडल कौन था, साइंटिस्ट का नाम था, है ना। हाँ सर, ठीक भोला, बढ़िया वाला झोपड़ी उपड़ी वाला नहीं है जी, कागो जी जंगल वाला है। चलो भोला, इन हाउस, हल्ला नहीं, शांति से, है ना, देखो समझाते हो। कभी बाबू आप लोग खिड़की वगैरह खोलोगे भोला, है ना, ठीक सर। ए बाबू रोशनी, का वीडियो बंद है जी, तो ये खिड़की वगैरह खोलोगे ना बाबू मेरे, है ना, कहीं कहीं देखना, ये सब तो औजार क्यों होगा ना, तो खिड़की से जो लाइट आ रहा है ना भोला, तो नहीं लग रहा है ऐसे होकर लाइट आ रहा है, पाथ विजुअल है कि नहीं, रास्ता विजुअल है ना भोला, रे ऑफ लाइट का जो लाइट आ रहा है पाथ विजुअल है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये क्यों होता है भोला, तो अगर रूम वगैरह में बाबू ज्यादा डस्ट वगैरह है और डार्क रूम है, मैंने यहाँ पे बहुत पार्टिकल का जो भी एयर में पार्टिकल अगर वो बड़ा बड़ा है, तो लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है, लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट वगैरह कहते हैं ना, ठीक। कभी कभी देखो गाड़ी चलाते हो ना जी, तभी आप लोग, अभी समर सीजन है, तो समर सीजन है तो रे ऑफ लाइट देखो ये ऐसे आ रहा है, तो ये बाबू गर्मी में आपको पाथ विजुअल नहीं होगा, लेकिन बाबू ठंडा में गाड़ी चलाओ कुहासा वाला में, तो ये जैसे लाइट जलेगा तो लगेगा कि हाँ इधर से ये लाइट ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है ना, तो यही सब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, है ना। जब बाबू रे ऑफ लाइट का बाबू पाथ विजुअल हो जाता है भोला मेरा, फोकस करो जी, फोकस करो, हाँ जी, रे ऑफ लाइट का पाथ विजुअल हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है ना, ठीक ठीक सर। आप लोग जंगल वगैरह में देखोगे भोला, है ना, देखो जंगल वगैरह में भोला, ये देखो मान लो आपका क्या बाबू जंगल है, तो जंगल डेंस फॉरेस्ट है बोला, तो वहां पे कुहासा वगैरह रहेगा, तो देखो ऊपर से लाइट आ रहा है, पता चल रहा है जी, सब लाइट आ रहा है, तो यही इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मल भोला आप अपने रूम में टॉर्च जला भोला, तो टॉर्च का रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा, है ना, तो ये बाबू ये आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कैसे दिखाते हैं देखो, और पानी भरेंगे तब ना जी, पानी और लाएंगे तब ना भोला, रुको जी पानी लाते हैं, अब कौन गिलास में लाए बाबू, एक गिलास और है, शांति से समझना, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो। इसमें टेंडल इफेक्ट लिखवाना क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा होता है भोला, जिसके कारण लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। इसमें जो बाबू नमक घोला एकदम पूरी अच्छे तरह से घोल गया है ना, तो अच्छी तरह से घोल गया भोला, तो इसमें आपको पानी में टिंडल इफेक्ट, ये NaCl वाला में टिंडल इफेक्ट तो नहीं करेगा, ठीक ठीक भोला। कोई कारण होगा सर, कोई क्या बाबू, कारण होगा सर, काहे ने तो? अरे तो बोल रहे हैं ना बाबू, वही तो आपको बोल रहे हैं, ठीक, वही तो आपको बोल रहे हैं भोला मेरा, कि साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। 10th में आपको बताएंगे किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक, अरे शांति से सुनिए, समझ में आएगा। तो
है ना। हाँ सर, देखो भोला, देखो समझो, काहे नहीं सो करता है इसलिए भोला मेरा पनियो ला के रखेंगे तो ना जी। हो गया, इसलिए भोला कि इसमें जो पार्टिकल सॉल्यूट डिजोल्व किया ना उसका एकदम छोटा छोटे हुए एकदम ओपन आई से नहीं दिखाई देगा। तो इसमें इधर से टॉर्च ऑन करोगे ना भोला तो आपको बाबू लाइट स्कैटर नहीं होगा, छितराएगा नहीं। स्कैटर मतलब लाइट छितरा जाना, तो इसमें नहीं छितराएगा। इसके रिस्पेक्ट बाबू इसमें साइज का पार्टिकल क्या है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है बड़ा बड़ा, तो जैसे उस छोटका पार्टिकल पे बाबू लाइट पड़ेगा ना तो छितरा जाएगा। रे ऑफ लाइट क्या होगा, छितरा जाएगा, और वही लाइट छितराएगा तो आपको विजुअल हो जाएगा। और इसमें भी वो पार्टिकल क्या है, सोल्यूशन के ट्रू सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसका भी पार्टिकल क्या है, बड़ा है थोड़ा। सबसे ज्यादा जो पार्टिकल सोल्यूट का पार्टिकल होता है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और इसमें भोला भोला को क्या होता है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है आपका वो लाइट्स में। अब करो क्या भोला, टॉर्च ऑन करो, बारी बारी से टॉर्च ऑन करो, है ना। तो लाइट ऑफ ठीक, किस, हाँ ये आपका क्या है, टॉर्च है, ये आपका क्या है, टॉर्च है ना। ठीक भोला, समझते चलना। कृतिका है, कृतिका वीडियो का बंद है जी, कृतिका बोले। तो देखो बाबू, पहले हटाते बाबू, बारी बारी से करते भोला। ठीक समझो, जिंदगी भर याद रखो। देखो कृतिका, अब यहां से बाबू रे ऑफ लाइट इधर ऑन कर रहे हैं। ठीक ठीक सर, दिख रहा? हाँ सर दिख तो रहा। तो इधर से रे ऑफ लाइट ऑन करो बाबू, तो बीच से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है सटा के ऑन करो, रास्ता नहीं दिख रहा है जी, टॉर्च वो ढीठ है जी। यहाँ बीच से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है रास्ता विजुअल नहीं है, नहीं ना विजुअल है जी कि रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है। ठीक, अब इसी चीज को बाबू मिल्क में करो, क्या करो, मिल्क में करो, मिल्क में करो, है ना, मिल्क में करो। तो मिल्क में करोगे भोला, इसी चीज को किस में करेंगे, मिल्क में करेंगे, किस में करेंगे, मिल्क में करेंगे, है ना। मिल्क मेरा क्या बाबू, कोलाइड्स है, मिल्क मेरा क्या है, कोलाइड्स है ना। देखो बीच में रास्ता विजुअल है कि नहीं है, बीच में नहीं फाइट सा दिख रहा बाबू, दिख रहा है ना जी, दिख रहा कृतिका कि नहीं दिख रहा, बोले है सर ना। देखो मिल्क में, अरे बीच में ये जो रास्ता दिख रहा है मेरे लाल, और पनिया इसमें भरो ना, लो और भरते, जय श्री राम। हाँ हो गया, ठीक। इसमें जो बीच में बाबू आपको इतना सुंदर तो दिख रहा है जी, बीच में ये रास्ता दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। यही बाबू जो विजुअल पाथ है भोला, यही जो विजुअल पाथ है, इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट। हम बोल रहे हैं नहीं, टिंडल साइंटिस्ट था, उसी ने पहले बताया है ना कि ये कि लक्ष्मी कि ये जो पाथ है रे ऑफ लाइट इससे गया। इधर बाबू आपको लाइट जा रहा, रास्ता दिख रहा जी, इधर देखो रे ऑफ लाइट नहीं जा रहा, इधर बीच में ऐसे ढकोगे तो मुड़ नहीं, घर ढक नहीं गया, इधर नहीं ना रास्ता दिख रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ से पास हुआ तो पाथ क्या है, विजुअल हो गया कि रे ऑफ लाइट इतना दूर से ऐसे ऐसे जा रहा। तो ये बात कौन बोला, हमें बोले नहीं लक्ष्मी, कौन बोला, टिंडल बोला। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो कितना अच्छा से विजुअल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टिंडल ना। इधर देखो रे ऑफ लाइट का नहीं ना पाथ विजुअल है जी, अरे मेरे लाल, इस साइड देखो रे ऑफ लाइट का कोई आ रहा है नहीं ना, बीच में बाबू कुछ आ रहा नहीं ना पाथ विजुअल है, लेकिन इसमें जैसे ही पास हो रहा भोला आपको पाथ विजुअल हो रहा। तो क्यों होता है सर, क्योंकि मिल्क का जो पार्टिकल है भोला वो आपका बाबू ट्रू सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा बड़ा है ना, बड़ा है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट वो इसके मिल्क का पार्टिकल पे इंसिडेंट हुआ तो वो सारा का सारा लाइट क्या हो गया, छितरा आ गया, सारा का सारा लाइट क्या हो गया, फैल गया। और वही लाइट जब फैल गया भोला तो आपको पाथ क्या हो रहा, विजुअल हो रहा। तो ये सबसे पहले कौन बोला था, टिंडल बोला था, इसीलिए इसको क्या रखा जाता है, टिंडल इफेक्ट। तो आपका ये मेरा क्या है, कोलाइड्स है, तो कोलाइड्स मेरा टिंडल इफेक्ट शो करेगा और सस्पेंशन भी करता है ना। अगला देखो, ठीक नेक्स्ट भोला आपका सस्पेंशन लाते, ये क्या भोला मेरा, सस्पेंशन, इसको भी भरो, आजा भरो। ठीक ठीक सर है ना। हाँ सर देखो पाथ विजुअल है ना, बोला साफ साफ तो दिख रहा है ना, वो बीच से रे ऑफ लाइट जा रहा है, विजुअल है ना जी। हाँ सर, नीचे का देख रहा है जी, ऐप बंद हो गया जी, देखो बीच से तो रे ऑफ लाइट, चलो जी, सब शैतान हमको ठकिए देता, टॉर्च वाला ठक दिया, 50 रुपये लाइट ले लिए। नेक्स्ट बोला तो देखो ये पाथ मेरा क्या बोला, विजुअल है,
से विजुअल है ना भोला। हाँ सर, नहीं दिख रहा जी, देखो है ना, थोड़ा सा और इसमें कम डस्ट वगैरह डालो तो अच्छे से दिखाई देगा। तो यही क्या बोला, इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है ना। ठीक, अब इसी का हमको क्या करना है, कंपेरिजन स्टडी करना। तो ये मेरा क्या था, ये आपका बाबू सस्पेंशन है, मिल्क वाला क्या है, कोलाइड्स है, NaCl वाला क्या है, ट्रू सोल्यूशन है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, आया शिवेंद्र बोला कि नहीं आया बोला, शिवेंद्र बोला। बच्चा इतना मन से कैसे पढ़ सकता है जिसका, तो बाबू कभी कभी डाउट होता है। ठीक ठीक सर, तो ये आपकी कहानी किसकी थी बोला, है ना, सस्पेंशन की थी और इसका था आपको बोला। आगे बाबू ये आपका क्या बाबू, फिल्टर पेपर है, इस पे भी छान के बता देंगे, इसके लिए 15-20 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है ना, इसको बनाना पड़ेगा, टाइम मिलेगा तो बना उना के आपको छान के बता देंगे। मैक्सिमम चीज हम लोग रखे हुए हैं आप लोग के स्कूल से ज्यादा, आपके स्कूल वाला तो खाली बाबू बिल्डिंग पे ध्यान देता है, जिस दिन स्कूल वाला बिल्डिंग पे ध्यान देना छोड़ दिया भोला, उस दिन आप लोग का प्रगति एकदम है ना तेजी से होगा, लेकिन बात है क्यों छोड़ेगा। नेक्स्ट बोला, कंपेरिजन ऑफ बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन। अब जल्दी जल्दी से लिखो, जितना समझाए हैं उसी को अब लिखना है। ए हर्षित, समझ में आता है भोला हर्षित? सर हाँ बोला, पढ़ते चलना है जाम मूवी की तरह, लिखो बोला, कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला। स्वराज समझ में आता है बोला? यस सर, हाँ बोला, एक बार पढ़ो जिंदगी। देखो एक्टिविटी करके पढ़ाने से क्या होता है ना, जी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप सीधे कॉन्शियस माइंड में जाता है ना, तो आप भुला के भी नहीं भूल सकते हो। कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है ना भोला, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। पढ़ो ऐसा याद रहे जिंदगी भर। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक। इधर हम लोग सस्पेंस ट्रू सॉल्यूशन लिखेंगे, जो समझाए हैं उसी को लिखना है, ठीक। कोलाइडल सॉल्यूशन लिख लो या कोलाइड्स लिख लो, इधर आप सस्पेंशन लिख लो। सोचिए कुछ प्रोजेक्ट बाबू कृतिका भोले। हाँ सर कल साइंस का एग्जाम है सर, बोले पहले पढ़ लो उसके बाद सोचना, तो फिर ठीक है मैं 30 तक दे दूंगी। अच्छी बात है, ठीक है भोले सोचो। नेचर बाबू, तो साइंस में कौन चैप्टर आ रहा है जी? कृतिका कौन चैप्टर आ रहा है जी? सर केमिस्ट्री का पहला 2 चैप्टर, फिजिक्स का पहला 1 चैप्टर और बायो का पहला 1 चैप्टर। चलो भोले अच्छी बात। नेचर बोला, होमोजीनियस होता है, कोलाइड्स आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्या होता है हेट्रोजीनियस, सारा चीज आपको बता चुके हैं। लगता आई है सर, सस्पेंस नहीं दिख रहा, एक को भी नहीं, ना सपना नहीं आई है जी, सपना नहीं आई भोले। सर आए हैं सर, स्कूल में मैथ का मार्क्स दिखा दिए हैं। कौन से चैप्टर से आया था क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स और वो लीनियर इक्वेशन और नंबर सिस्टम से।
पॉलिनोमियल बताए थे ना, पॉली नंबर सिस्टम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी हम पढ़ाए थे तो? नहीं पढ़ी थी आपके टाइम में, बट उतना भी क्वेश्चन नहीं आया, और पॉलिनोमियल से आया क्वेश्चन भी किया, बट लास्ट में आंसर निकल रहा था 2a-3b³, बट मैं क्यूब लगाना ही भूल गई थी, तो पूरे क्वेश्चन ही मैम काट दी। पूरे काट दे। हाँ, और फिर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला भी था, उसमें लास्ट में आंसर 30 निकलेगा, बट पता नहीं क्यों मेरे कैलकुलेशन गलत हो गया, पॉइंट में आंसर निकाल के मैम को दे दी थी। कन्वर्ट कर लो, बताए थे ना भोले। अब ये तो हाँ, बताइए केमिस्ट्री में जी, भूल उसके टाइम पे भी मैं, तब हमारा कैंप था। अच्छा काम था बोले। अब वैसे करोगे बोली तो जितना आप लोग को स्कूल में बाबू बाबू उससे ज्यादा आपको पढ़ा देंगे, खाली कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, पासेस थ्रू बाबू फिल्टर पेपर। आफ्टर दैट पॉलिनोमियल से एक्सपेंशन सिंप्लीफिकेशन आया था, जो अच्छा गया, मैम ने दिया मार्क्स, 2 मार्क का था, हाफ हाफ करके एक का आधा दिया। ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता, दूध वाला, पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। चलो सब्जेक्ट को सीखो ठीक है ना, पढ़ता तो सब बोला, सीखो, सीख गए एक बार तो क्या होगा ना, बाकी तो आप लोग सीबीएसई के बच्चे तो लिख ही लोगे। ऐसा थोड़ी लिक्विड ऐसा, पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक सस्पेंशन कैसे हेट्रोजीनियस होगा सर? है। सब ये कंफ्यूज ही आ जाता, बताते जखनी मन से सुनवे नहीं करता। फिल्टर पेपर एंड थोड़ा सा बता सस्पेंडेड हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं पता है जी? किसको दीजिए। यस सर, कहते हैं? सर इसका एग्जांपल आ दें। हाँ वह देखो पढ़ के ये भी नहीं करता है। सबसे बड़ा बात सर, है कि आज पास होता पीछे वाला पढ़ें कि नहीं आता। जैसे उसमें उसमें कुछ मिला, मतलब उसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा हाइड्रोजनियस में सटा का। पहुंचे क्लियर नहीं दिखाई देगा, हद करता है जी। मन से समझाना पढ़े आके ढूंढते हैं आपको हेट्रोजीनियस में, ये नहीं सारा प्रैक्टिकल करने के बावजूद भी। पार्ट पार्टिकल साइज मतलब क्या बोला? सॉल्यूट का पार्टिकल, सॉल्यूट वाला साइज ऑफ पार्टिकल। जल्दी जल्दी लिखो, लेस देन ऐसा विजिबल हो। लेस देन 10^-7 cm या 10^-9 m या 1 nm। क्या सर जो विजिबल हो, सर विजुअल हो जी? जैसे शुगर और साल्ट मिलाए, तो मतलब उसमें से जो दिखाई दे, मतलब देखो उसमें दिखाई दे देता है सर, शुगर साल्ट मिला है सर, तो उसमें साल्ट दिखाई दे दिया सर उसी को, और कुछ आता है शुगर और पानी मिला तो उसमें नहीं दिखा दिया, तो उसमें होमोजीनियस हो गया। गलती है सर,
क्या क्या बोला, इतना थोड़ी लंबा चौड़ा डेफिनेशन है जी। हम आप प्रेस बोले सर, जो समझाए थे एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसके द्वारा बोले। लिखिए जल्दी से। सर क्या लिखे वो सस्पेंडेड? हाँ सस्पेंडेड पार्टिकल डू नॉट पास। साइज ऑफ पार्टिकल बोला, साइज ऑफ पार्टिकल मतलब सॉलिड का पार्टिकल। सर सस्पेंडेड ना होता है, सस्पेंडेड लिखा सस्पेंडेड है सर, ज्यादा लिखा गया है जी। सस्पेंडेड 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 साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन टेन टू द पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर या 100 नैनोमीटर कह सकते हैं। ठीक नेक्स्ट बोला। अपीयरेंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट और यह कोलाइडल ओपेक होता है। टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट ये दोनों आपका करेगा है ना सर। लिखिए तो ये आपका बेस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस हुआ बोला आपका सॉल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशन में। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। कौन कौन भागा जी उसका प्लेटिंग? काव्य संस्कृति भागा। कौन कौन बोले? शांतनी है, मनीषा ये है, कृतिका कृतिका भी है जी। लैब सुजीत है, लक्ष्मी है, रोशनी गई। साइंस पढ़ाएंगे। लिखिए बोला आगे बाबू। हम लोग अब क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। हाला नहीं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोला ना। और उसके बाद आपका ये फिनिश होकर आपको बुक एनसीईआरटी वाला जो बचल टॉपिक रहेगा वो बता देंगे। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम लोग एंट्री करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाबू शुरू होगा आप लोग का क्लास आपके टाइम पे शुरू होगा। और कब शुरू होगा? टाइम तो हो गया। टाइम अभी नहीं हुआ, जल्दी लिखो जी। सर अभी दो मिनट बाकी। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बाबू। स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए सर। नहीं लिखा जी। थैंक यू सर। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए आप लोग। बाय सर। बाय सर। जी लो जिंदगी। नहीं लिखा जी। मनो स्क्रीनशॉट ले लिए, छोड़ दीजिए सर। सर एक बार थोड़ा सा समझा, नहीं समझ।